अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो के साथ मैं हूं अब्दुल राफ़े। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या अफगानिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी का रहना आसान है या मुश्किल, क्या पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी का रहना आसान है या मुश्किल। जैसा कि हम देखते आए हैं कि पहले जब 90 की दहाई में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, जिसको मुल्ला उमर ने हुकूमत बनाई, उस ज़माने में अफगानिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। ये चीज़ हमने बारहा देखी है पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी। पाकिस्तान में तो हम खबरों में सुनते आए हैं कि आए रोज़ बारहा कहीं ना कहीं क्वेटा में या बलूचिस्तान के कई इलाकों में हज़ारा कम्युनिटी पर तशद्दुद किया गया। यहाँ तक कि वो लोग लाशें लेके बैठे रहते थे, अब धरने दिए उन्होंने लाशें रख के कि हमें इंसाफ दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई इंसाफ उन्हें फ्राहम नहीं किया गया, ना पाकिस्तान में ना अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तो आज से पहले लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, ना उसका नामो निशान था। वहाँ एक कठपुतली हुकूमत थी जो कि अमेरिका के इशारों पर नाचती थी और एक तरफ तालिबान थे, ये तो पूरी दुनिया जानती है। और विड्रॉ के बाद आज 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका के विड्रॉ के बाद क्या हज़ारा कम्युनिटी का वहाँ पे रहना पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है तो क्या वो मुश्किल है या आसान, क्या हज़ारा कम्युनिटी अभी भी सोच रही है कि वो अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश करे या वहीं पे रह के अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करे। तो आने ये अभी जब विड्रॉ हुआ अगस्त में अफगानिस्तान से अमेरिका का, तो हमने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ ये सुनी कि कैसे हज़ारा कम्युनिटी के लोग डर की वजह से अफगानिस्तान को छोड़ के निकल गए। कई लोग अमेरिका के जो प्लेन्स जा रहे थे, जिन्होंने वहाँ से उनकी फ़ौज को निकाला और उनके रिहायशियों को निकाला, उनके साथ कई हज़ारा कम्युनिटी के मेंबर्स भी अफगानिस्तान से निकल के अमेरिका गए। और उसके साथ साथ कई ऐसे लोगों की स्टोरीज भी हमने सुनी है जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान में वो ज़्यादातर बलूचिस्तान में ही आए, क्योंकि पाकिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी ज़्यादातर बलूचिस्तान में ही है। सो कई ऐसी मिसालें हमें देखने को मिलेंगी अगर हम कोई थोड़ा बहुत पढ़े या किसी से इंटरव्यू जाके बात करें, तो हमें काफ़ी देखने को मिलेगा कि कितने ज़्यादा लोग अफगानिस्तान से उठ के पाकिस्तान में आए। और जब वो अफगानिस्तान से निकले हैं, अफगानिस्तान पे जब काबुल पे तालिबान ने कब्जा किया है, जब वो वहाँ से निकले हैं तो उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करते हुए कितने पैसे देने पड़े और उन्हें किस किस मुश्किल से यहाँ पे पहुँचना पड़ा। कई ऐसे लोग थे, अब एक मेरी नज़र में एक खातून की अफगानिस्तान की थी, जो उनकी स्टोरी आई, जो जिनका नाम जाहिदा था, वो जब वहाँ से अफगानिस्तान से निकली हैं तो उनकी टांग पे गोली लगी थी। वो एयरपोर्ट पे थी, काबुल एयरपोर्ट पे, अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ, और उनके वालिदैन भी उनके साथ थे। लेकिन जब वहाँ अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ और वहाँ पर गोलियाँ चली, तो वो उसमें इंजर हो गई, उनकी टांग पर गोली लगी, और उन्होंने तब फैसला किया कि वो अमेरिका नहीं जाएंगी या कहीं और नहीं जाएंगी, वो पाकिस्तान सबसे करीब था तो वो पाकिस्तान आएंगे। सो वो वहाँ से अपने हस्बैंड के साथ निकली हैं, वहाँ से उन्होंने टैक्सी करवाई है जो कि काबुल से अफगानिस्तान यहाँ पाकिस्तान बलूचिस्तान तक की थी, क्वेटा तक की। वो वहाँ पे आए हैं, क्वेटा में आए हैं, उन्होंने एक इमाम बारगा के अंदर स्टे किया है। वहाँ पे उनको डॉक्टर को दिखाया गया और डॉक्टर ने कहा कि भाई इनके टांग में गोली लगी है, तो ये ज़्यादा मसला ख़राब है, इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने किसी ना किसी तरह वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में उनको दाखिल करवाया यहाँ क्वेटा में, और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी टांग नहीं बच सकती, इनकी टांग को काटना पड़ेगा। वो 3 दिन में गोली लगे हुए यहाँ पर पहुँचे पूरी फैमिली के साथ, और यहाँ पे आगे उनके साथ ये मामला हुआ। और वो कहती हैं कि जब मैं यहाँ पे आई अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आई, तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, इवन के रहने के लिए ना सामान था, ना बर्तन थे, ना पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। उन्होंने यहाँ पे आगे इमाम बारगाह के अंदर उन लोगों ने उनकी मदद की और उनका इलाज करवाया। सो ये डर उनका जायज़ है। अगर हम कहेंगे नहीं ये नाजायज़ डर है, तो ये बिल्कुल नाजायज़ डर नहीं है, क्योंकि इनके साथ जुल्म होते आए हैं। जब 90 की दहाई में भी हमने काफ़ी वाकया देखे कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ जुल्म हुए, उन पे तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया, हर चीज़ हुई यहाँ पे। उसके बाद जब पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तान में भी ये महफूज नहीं है। क्वेटा में आए रोज़ ये हज़ारा कम्युनिटी वाले मरते रहे हैं और बहुत एहतजाज किए हैं इन्होंने, हर जगह धरने दिए हैं, चौक में बैठे हैं, लाशें लेके बैठे हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं दिया गया। और अब जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, उनका वो 90 की दहाई वाला तो जो डर था वो फिर से एक दफ़ा
जन्म ले गया कि भई अब क्या बनेगा, अब फिर से तालिबान की हुकूमत आ गई है। सो उनका डर बिल्कुल जायज़ था और अब उन्होंने पैनिक किया उस सिचुएशन में और कई लोग अमेरिका चले गए और कई पाकिस्तान में आ गए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत में ये हज़ारा कम्युनिटी वाले सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसका हम कुछ कह तो नहीं सकते कि क्या इनके साथ होने वाला है, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान में अब 1 महीना पहले, तकरीबन 1 महीना पहले एक मस्जिद में धमाका हुआ और उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए और वो जिम्मेदारी कबूल की दाइश ने, और दाइश हमें पता है कि कितना उन्होंने ये शिया, जो शिया में जो हमारे हैं भाई हैं उन पे कितना जुल्म किया है वहाँ पे, इराक में या सीरिया में देखा जाए या कहीं पे भी जो भी शियों पे हमला होता है उसकी जिम्मेदारी दाइश कबूल करती है। सो क्या तालिबान दाइश को कंट्रोल कर सकेंगे अफगानिस्तान में कि वो अपने कदम वहाँ पे मजबूत ना कर सकें, या वो उनको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? सो ये टोटली डिपेंड करता है अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत पे, जो कि वो अभी क्या कह सकते हैं, अभी तो वो शुरू किया है, उन्होंने अपनी हुकूमत अभी बनाई है, उनके पास इतना कोई सिस्टम नहीं है ना, उन्होंने कभी हुकूमत की है जो उनको पता होगा कि किस तरह चलानी है, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट कि वो क्या करेंगे और किस लाहे अमल से वो अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर लेके आएंगे। हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं, हज़ारा वाले भी हमारे भाई हैं और दूसरे भी हमारे भाई हैं। मुसलमानों को आपस में इतिहाद शो करवाने के लिए आपस के ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं इनको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर मुसलमानों की, बाहर की दुनिया में आप जो दूसरे नॉन इस्लामिक स्टेट्स हैं वो मुसलमानों के पहले बहुत ज़्यादा खिलाफ है, वो तो चाहते हैं कि आपस में लड़े ताकि उन्हें लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपस के ये इख्तलाफात को साइड पे रख के एक तरह रिजोल्व करके हमें दूसरे जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं, मैं उन्हें दुश्मन कहूँगा क्योंकि वो कभी हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते, चाहे वो कितना हमें पैसा दें, सपोर्ट करें, जो मर्जी करें, वो कभी हमारे दुश्मन तो दोस्त हो ही नहीं सकते, वो सदा हमारे दुश्मन ही रहेंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने मसले सोल्व करके, अपने आप अपने डिफरेंसेस ख़त्म करके, उनको एक साइड पर रख के दूसरे जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ एक सफ में आके खड़े होके उनका मुकाबला करने के काबिल हो सके आने वाले दिनों में, आने वाले कई सालों में। हम देखेंगे कि किस तरह हमें उनके साथ लड़ना पड़ेगा, और ये बिल्कुल हकीकत बात है, ये हम इसे कभी वो नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारे दोस्त हैं ये हमारे साथ नहीं लड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, ये दुनिया दुनिया में ऐसा होगा, असूल है ये दुनिया का कि मुसलमान एक साइड पे रहेंगे, यहूदी नसारा एक साइड पे रहेंगे। ये आपस के डिफरेंसेस को ख़त्म करना हमारा फ़र्ज़ है, और इंशाल्लाह हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी पे इस दफ़ा जैसे 90 की दहाई में हुआ था, इस दफ़ा वैसा ना हो और वो भी वहाँ पे अमन से एज ए अफगानी, एज ए मुसलमान रह सके, अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इस बारे में आपको मज़ीद मालूमात देते रहेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।